2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है और यह वर्ल्ड कप जीतते ही टीम ने अब दो बार T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है। पहली बार टीम ने 2007 में धोनी कप्तानी में यह खिताब जीता। इसके बाद में 17 साल बाद अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। लेकिन अब भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर ये है कि टीम इंडिया के 3 सुपरस्टार रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके साथ ही जडेजा ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ सालों में इन तीनों ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया की हिटमैन कहे जाते हैं, इसके साथ ही विराट कोहली को टीम इंडिया किंग और साथ ही जडेजा को टीम इंडिया का सुपरमैन कहा जाता है। लेकिन अब T20 में टीम इंडिया के कप्तान का संन्यास लेने के बाद में देखना होगा कि टीम इंडिया का अगला नया कप्तान किसको बनाया जाता है। टीम इंडिया का नया कप्तान ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसंग, सूर्य कुमार यादव या फिर शुभम गिल को बनाया जा सकता है। लेकिन टीम का कप्तान बनने की जो सबसे बड़ी संभावना दिखती है वह ऋषभ पंत की है और टीम इंडिया का नया T20 कप्तान ऋषभ पंत को बनाया भी जाना चाहिए। ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत वर्तमान में टीम इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। इसके साथ ही ऋषभ पंत भी विकेट के पीछे MS धोनी की तरह ही गेंदबाजों की बहुत ही मदद करते हैं और इसके साथ ही किसी मैच को फिनिश करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत के बारे में आगे और बात करें तो ऋषभ पंत को IPL में 3-4 साल से कप्तानी करने का भी अच्छा अनुभव है। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली की टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। ऋषभ पंत के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो एक कप्तानी के लायक है। अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाती है तो हार्दिक पांड्या भी कुछ टाइम तक कप्तान रह सकते हैं, उसके बाद में फिर से कप्तानी की समस्या उठने लगेगी। हार्दिक के अलावा सूर्य कुमार यादव और सैमसंग भी कप्तानी के विकल्प के लिए सही नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत को कप्तानी दी जाती है तो ऋषभ पंत आगे आने वाले 5-10 सालों तक टीम इंडिया की कप्तानी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें कि टीम इंडिया का नया कप्तान किसको बनाना चाहिए और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।